चलो तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? इट वाज टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, इट इज टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है इट इज ऑल अबाउट नॉर्मल गैल्वेनिक सेल, है ना। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है और कैथोड का कुछ और है, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो हो रहा है ना। यस सर। आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल एट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अलग अलग है, तो उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? नॉर्मल गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। और इस तरह के सेल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ई नॉट सेल का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता, ई नॉट सेल का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, पढ़ा था ना। यस सर। यस, तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। फर्स्ट इट इज नॉर्मल गैल्वेनिक सेल, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। चलो लिखो, गैल्वेनिक सेल इन विच, गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, यस, किसकी वजह से? गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, है ना। यस सर। यस, तो गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट ऑकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? नॉर्मल गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना, बोलो। यस सर। और इस तरह के गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था कि एनोड किसी और मेटल का होता है और कैथोड किसी और मेटल का होता है। जैसे एनोड जिंक का था तो कैथोड किसका था बताओ? कॉपर। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनोड हम उसको बनाएंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, और कैथोड किसको बनाएंगे? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। ये डिस्कशन किया था ना हम लोगों ने? यस सर। कि एनोड का इलेक्ट्रोड, एनोड का मेटल कुछ और होगा और कैथोड इलेक्ट्रोड का मेटल कुछ और होगा ना। यस सर। तो चलो लिख लो, इसी में लिख लेना, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में इन दिस सेल एनोड एंड कैथोड, इन दिस सेल एनोड एंड कैथोड इज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एनोड एंड कैथोड इज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एनोड और कैथोड डिफरेंट एलिमेंट्स का होगा, और जब एनोड और कैथोड अलग अलग एलिमेंट्स का होगा तो ई नॉट सेल का वैल्यू कभी जीरो होगा क्या? नो सर, कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना। लिख लो, दस ई नॉट सेल नॉट इक्वल टू जीरो, ई नॉट सेल कभी भी जीरो नहीं होगा। और इसके एग्जांपल में हम लोग जो डिस्कशन करते आए हैं, Zn सॉलिड, ये क्या हो गया बताओ? ZnSO4 एक्वस सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेल मी, दिस इज CuSO4 एक्वस, और ये क्या हो गया? Cu सॉलिड, राइट। तो ये सिंपल गैल्वेनिक सेल और नॉर्मल गैल्वेनिक सेल है ना। एक इलेक्ट्रोड जिंक है और एक इलेक्ट्रोड क्या है बोलो? कॉपर है, राइट ना। यहाँ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यहाँ का रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो हो रहा है ना। यस, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। इज इट क्लियर? चलो अब दूसरे तरह का हम लोग देखेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट टाइप हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट वॉज नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। तो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में क्या क्या देखा था बताओ? अभी क्या क्या डिस्कशन किया हम लोगों ने? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड हाफ सेल एज वेल एज व्हाट? कैथोड हाफ सेल।
और इस तरह के गैल्वेनिक सेल में एनोड किसी और मेटल का होगा, कैथोड किसी और मेटल का होगा, और तीसरी चीज इनोड सेल की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। यस, सेकेंड टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। सेकेंड टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल इज टेल मी कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये तो दूसरे तरह का गैल्वेनिक सेल है, ये क्या है बताओ? कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसमें करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से हो रहा है। एनोड हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, कैथोड हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, लेकिन एनोड और कैथोड सेम मेटल के बने हुए हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो जब एनोड और कैथोड सेम मेटल का बना हुआ है, जब एनोड और कैथोड सेम मेटल का बना हुआ है, बराबर ना? आर यू गेटिंग दिस? तो ई नॉट सेल का वैल्यू तुम्हें ऑलवेज क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा ना? जीरो। यस, एनोड पे क्या होगा? सेम मेटल का ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा? सेम मेटल का रिडक्शन। तो एनोड पे सेम मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू लोगे, और कैथोड पे जब सेम मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लोगे, तो दोनों एक दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा ना? यस सर। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। सेल की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी? जीरो। आर यू गेटिंग? तो कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ऐसे ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गए। तो करंट का फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? करंट का फ्लो किसकी वजह से हो रहा है बताओ? फ्लो ऑफ करंट इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। चलो लिखो, कॉन्सेंट्रेशन सेल। लिखो देखो, सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट ऑकर्स ड्यू टू, सेल इन विच flow of electron or current, flow of electron or current occurs due to difference in concentration of, flow of electron or current occurs due to difference in concentration of, flow of electron or current occurs due to difference in concentration of both. दो चीज है, दोनों के concentration को ध्यान में रखना है, एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। आर यू गेटिंग दिस? आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन सेल भी दो तरह का होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, है ना? आ रही है बात समझ? यस सर। यस, तो सेल इन विच फ्लो ऑफ करंट ऑकर्स ड्यू टू difference in concentration of both electrode and of both half cell, difference in concentration of both half cell, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, या तो इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क हो। आई बात समझ? यस सर। यस सर। दो हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, दोनों का इलेक्ट्रोड सेम है, राइट ना? अब या तो इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क हो। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, है ना? या फिर इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन में फर्क हो। ये बात आ रही है समझ? यस सर। यस। अब मैंने क्या बोला, इस तरह के सेल में जो इलेक्ट्रोड होंगे वो सेम मेटल के और सेम टाइप के होंगे ना? यस सर। यस, लिख लो, इन दिस सेल, in this cell both half cells are of same type, in this cell both half cells are of, bolo, same type as well as of same substance, hai na? To is tarah ke cell mein dono half cells same type ke honge aur same substance ke honge, राइट? तो जब वो सेम टाइप के और सेम सब्सटेंस के हैं, तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो ऑलवेज जीरो मिलेगी ना? यस सर। सपोज जिंक हमारा एनोड में भी है और जिंक हमारा कैथोड में भी है, दोनों जगह, तो एक जगह जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे, एक जगह जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लोगे। तो जब आप ई नॉट सेल निकालोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर ना? Yes, sir. तो E not cell की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? जीरो हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में E not cell की वैल्यू
जीरो जीरो राइट। लेकिन सिंपल जो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल था है ना, उसमें ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो था ना। यस सर। यस, तो यहाँ पर लिख लो कॉन्सेंट्रेशन सेल में 10 ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात आई समझ? यस सर। यस, अब कॉन्सेंट्रेशन सेल में किसका किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा था बताओ, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन। यस सर। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, बोला ना, या तो इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आए या तो इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आए। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल दो तरह का होगा, एक कॉन्सेंट्रेशन सेल ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा और इलेक्ट्रोड के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन सेल ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रोड के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा और इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन दोनों तरह के कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड क्या रहेगा, एनोड हाफ और कैथोड हाफ में सेम सेम रहेगा। आई बात समझ? यस सर। चलो लिखो कॉन्सेंट्रेशन सेल इज ऑफ टू टाइप्स। कॉन्सेंट्रेशन सेल इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना। पहला कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। दिस इज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में, बोलो। Electrolytes are at same concentration or different concentration? Different. Electrolyte क्यों same concentration पे रहेगा भाई? Different concentration पे electrolyte है, electrode same है ना? Yes sir. Yes. तो लिखो electrolyte concentration cell पे लिखो electrolytes are at different concentration. Electrolytes are at different concentration. Electrolytes different concentration. Electrolytes are at different concentration. आई बात समझ? Yes sir. Yes sir. Yes. अभी जैसे example के लिए देखो इधर, ये Zn और ये ZnSO4 हो गया, right? ये क्या हो गया बताओ? Salt bridge हो गया। और फिर से ये ZnSO4 हो गया और ये Zn solid है और ये भी Zn solid, लेकिन यहाँ पे ZnSO4 का concentration C1 molar है और यहाँ पे ZnSO4 का concentration क्या है, C2 molar है ना। तो electrode क्या है बेटा, same है, लेकिन anode half cell electrolyte का concentration और cathode half cell electrolyte का concentration अलग अलग है ना। Yes, sir. Yes. Yes. तो इसको देखते ही पहचान लोगे ना कि ये किस तरह का सेल है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट। अगर सिंपली इसका ई नॉट सेल का वैल्यू पूछ दिया जाए तो बिना कुछ सोचे हुए क्या बोलोगे, जीरो 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 बोलोगे ना। यस, अब देखो कैसे जीरो होगा, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, फिर भी देखो एनोड में क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन होगा। क्या रिएक्शन लिखोगे, Zn solid और Zn 2 plus aqueous और plus 2 electron लिखोगे। और यहाँ पे क्या लिखोगे, E not Zn से Zn 2 plus, मान लो ये X volt है, मान लो ये कितना है बताओ, X volt। Are you getting this? Yes, अच्छा। Yes sir. यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, यहाँ क्या लिखोगे, इधर Zn 2 plus aqueous और plus 2 electron, इधर क्या लिखोगे, Zn solid लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो जल्दी, Zn 2 plus 2 Zn, Zn 2 plus, Zn 2 plus से Zn है ना, और ये value कितनी होगी, minus x volt, minus x volt, minus of x volt हो जाएगी ना। Yes sir. Yes sir. तो ये standard oxidation potential of anode हो गया, ये standard reduction potential of cathode हो गया। तो यहाँ से ये चीज clear है ना, ये E not cell is equal to क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा। Zero. E not cell क्या सिखाया था,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यही सिखाया था ना? यस सर। यस। अब चलिए यहाँ पर सेल रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या लिखेंगे? सेल रिएक्शन बताओ, ये Zn2+ aqueous और Zn2+ aqueous, इनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है ना? Yes, sir. बाकी टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, जिंक सॉलिड और जिंक सॉलिड कैंसिल आउट। ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोड क्या रहेगा? सेम कॉन्सेंट्रेशन पे है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो गया? ये कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल और इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो ये Zn2+ aqueous किसका है? बोलो C1 molar. This is of cathode ना? ये किसका है बताओ? ये cathode का reaction है ना? Yes sir. This is of what? Cathode. ये cathode C से लिख रहा है ना? और ये क्या हो गया बताओ? This is Zn2+ aqueous. Anode. और ये क्या हो जाएगा बताओ? This is anode. Concentration of Zn2+ aqueous. किसका? Anode. Anode का. यही मिला ना हमें? Yes, sir. इसी से last equation लिखना होगा। ये क्या होगा अपना product और ये क्या होगा अपना reactant? Yes, sir. This is Zn2 plus ion aqueous का concentration. Zn2 plus ion का concentration of anode half cell electrolyte, ये क्या है? Product है। और Zn2 plus ion का concentration of cathode half cell electrolyte, ये क्या हो गया अपना reactant हो गया। Understood? Yes, sir. चलो पहले इतना कर लो। यहाँ तक समझने में किसी तरह की कोई परेशानी? नो सर। का किया सभी ने? यस सर। यस सर। चलो तो लास्ट इक्वेशन के लिए हमें ये इक्वेशन चाहिए, कंप्लीट सेल चाहिए। हम लोग का रोड मैप यही था ना, पहले एनोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखो, कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखो, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो, एन की वैल्यू कैलकुलेट करो, ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करो और फिर ई सेल के लिए लास्ट इक्वेशन लगा दो, बराबर ना? यस सर। यस। तो चलो अब करें। यस सर। तो यहाँ पर क्या था ध्यान रखना, सेल रिएक्शन में क्या था? Zn2+ aqueous, कैथोड से Zn2+ aqueous क्या था? बोलो एनोड। यही था ना? तो प्रोडक्ट साइड में क्या था? Zn2+ aqueous एनोड था, और रिएक्टेंट साइड में क्या था? Zn2+ aqueous कैथोड था। चलो तो लास्ट इक्वेशन अप्लाई करो। नास इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? जल्दी बोलो। E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल, पूरे सेल के लिए अप्लाई करो। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन L, है ना? लॉग क्या लोगे? Zn2+ aqueous किसका? कैथोड एनोड का। कैथोड को लेफ्ट साइड में था ना बेटा, रिएक्टेंट वाला था ना? यस सर। तो फिर कैथोड क्यों बोला? प्रोडक्ट साइड में क्या है? एनोड। एनोड और रिएक्टेंट साइड में क्या है? कैथोड। कैथोड। ये क्या मिला बताओ? दिस इज Zn2+ aqueous का कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, तो यहाँ पे जीरो होगा। कंसंट्रेशन सेल में E नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा? जीरो। यस। माइनस 0.0591 अपॉन 2 हो जाएगा। और लॉग Zn2+ आयन एक्वस, ये ZnSO4 का कंसंट्रेशन जो एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट में था, वो क्या लिया था हम लोगों ने? C1 मोलर लिया था ना? यस सर। और कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिया था? C2 मोलर लिया था ना? यस। तो ये क्या हो जाएगा? C1 अपॉन C2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो इन जनरल क्या लिख सकते हैं?
इन जनरल क्या लिखोगे बताओ? कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन 2 लॉग। क्या करोगे? लॉग एनोड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन, यही मिलेगा ना हमें? यस सर। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ध्यान रखना ई सेल क्या हो गया बताओ? एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन। ये बात आई सर? यस सर। एन हमेशा 2 ही रहेगा? नहीं, एन कर दो ना, इन जनरल में अगर हम लिखें तो इसको एन कर दो, है ना? अब क्लियर? यस सर। ई सेल क्या हो गया? माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि इस सेल के, ये जो सेल हमने बनाया था, ये जो सेल हमने बनाया था ZnSO4, जिसमें एनोड का कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर था और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर था, है ना? चलो एक क्वेश्चन लिखो। अबाउट सेल, ये लिख लिया सभी ने? यस सर। ये सभी ने लिख लिया? इतना लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो लिखो एक क्वेश्चन। Above cell will work when, above cell का मतलब ये वाला cell जो आपने लिखा था ना, ZnSO4 anode concentration C1 molar salt bridge, ZnSO4 cathode half cell electrolyte concentration C2 molar फिर Zn solid, वो वाला cell है ना? देखो, above cell will work when, above cell will work when first option C1 greater than C2, second option C1 is equal to C2, थर्ड ऑप्शन C1 लेस देन C2 और फोर्थ ऑप्शन नन। क्या होना चाहिए? यस सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अबव सेल विल वर्क व्हेन, अबव सेल का मतलब कौन सा सेल? ये वाला सेल बेटा, ZnSO4, ये C1 मोलर और ये ZnSO4 C2 मोलर और ये क्या है? Zn, ये वाला सेल। अबव सेल विल वर्क व्हेन, अभी हम इसी सेल की बात कर रहे थे ना इसमें? यस सर। यस, तो अबव सेल विल वर्क व्हेन ऑप्शन फर्स्ट C1 ग्रेटर देन C2, ऑप्शन सेकंड C1 इज इक्वल टू C2, ऑप्शन थर्ड C1 लेस देन C2 and option 4 none। क्या होना चाहिए सर? फर्स्ट वन C1 greater than C1 less than C2। वेरी गुड, जिसने जिसने ग्रेटर देन बोला है चुपके से अपना कान पकड़ लो और धीरे से एक थप्पड़ मार लो अपने आप को। C1 greater than C2 होगा तो log of C1 upon C2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना? यस सर। लॉग ऑफ C1 अपॉन C2 पॉजिटिव हो जाएगा तो पूरा ई सेल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना? यस सर। तो सेल वर्क करेगा क्या? नो सर। सेल के वर्क करने के लिए क्या चाहिए? ई सेल ग्रेटर देन 0 चाहिए, चाहिए ना? यस सर। लेकिन यहां अगर C1 ग्रेटर देन C2 हो जाएगा, इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 देन लॉग ऑफ C1 अपॉन C2 विल बी व्हाट? पॉजिटिव। And when log of C1 upon C2 will positive, E cell will be what? Negative. Yes, cell sir. Cell नहीं करेगा. तो cell के work करने के लिए क्या चाहिए? C2 greater than C1 चाहिए या फिर C1 less than C2 चाहिए? यही चाहिए ना? Yes, sir. C2 greater than C1 चाहिए या फिर C1 less than C2 चाहिए? Are you getting this? तो yes, sir. जब C1 less than C2 होगा, तो log of C1 upon C2 will be negative. ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके ई सेल को क्या बना देगा? पॉजिटिव। आई बात समझ? यस सर। यस सर।
तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए ना? यस सर। समझा सभी को? यस सर। यस सर। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। नो सर। चलो, शुड आई रब इट? यस सर। तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल के वर्किंग के लिए कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। बराबर ना? यस सर। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल के फंक्शनिंग के लिए एकदम अच्छे से समझ गए। कई बार ना हमें कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सब दिया हुआ होता है और हम उसको फॉर्मूला में पुट करके ना फालतू का अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हमें सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन देख के ही पता लग जाएगा ना कि ये सेल वर्क करेगा या नहीं। यस सर। हम एनोड ऑफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, कैथोड ऑफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। वही सेल वर्किंग होगा जिसमें कैथोड ऑफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन एनोड ऑफ सेल के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगा। पेन टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? यस सर। यस। चलो अभी इधर देखो, फिर से ये दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना? ये क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखना, आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सीखा था ना? तो हम दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। दोनों तरफ क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्रेशर क्या कर देते हैं? सेम कर देते हैं। लेकिन दोनों तरफ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। तो वो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बन जाएगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दोनों तरफ गैस का प्रेशर सेम है, लेकिन जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, आयन क्या होता था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में? H+ आयन होता था ना? Yes, sir. Yes. उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया हमने? अलग अलग कर दिया। उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट कर दिया। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम डिफरेंट कर देंगे तो ये एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन सेल बन जाएगा या नहीं? Yes, sir. Yes, बन जाएगा। तो ये PT और ये H2 गैस है और यहाँ पर H+ आयन एक्वस कर दो और ये C1 मोलर, यहाँ ये सॉल्ट ब्रिज हो गया और फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? H+ आयन एक्वस और ये C2 मोलर और यहाँ पर ये क्या हो गया बताओ? PT H2 गैस हो गया। Are you getting this? This is a type of concentration cell, ना? Yes, sir. Yes. अब इसका E cell का value बताओ, pH के terms में क्या आता है? हम लोग को एक important अच्छा result मिल जाएगा। इसका E cell value बताओ pH के terms में। इसमें anode half cell भी hydrogen electrode है, cathode half cell भी hydrogen electrode है। Yes? Yes, बोलो। चल, EOP क्या लिखोगे? E oxidation potential। सीधे हम लोग चल सकते हैं ना? फॉर्मूला है हमारे पास। EOP क्या लिखा था आपने? याद करो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखी थी? 0.0591 into pH of anode लिखा था ना? Yes, sir. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा था तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं मिलता। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो वैल्यू जीरो होगी। EOP क्या मिल रहा था बोलो? -0.059 into pH of anode half cell electrolyte मिल रहा था ना? Yes, sir. तो EOP क्या था? 0.0591 into pH of anode half cell electrolyte. और ERP क्या था? माइनस ऑफ 0.0591 into pH of cathode half cell electrolyte था ना? Yes, sir. अब एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो अलग अलग है ना? Yes, sir. तो जब इनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो पीएच सेम होगा क्या? नो सर. पीएच सेम नहीं होगा। आ रही है बात समझ? Yes. Any problem? तो ई सेल क्या मिलेगा बताओ? दस ई सेल क्या मिलेगा बोलो? EOP plus ERP मिलेगा ना?
यस सर। और EOP कितना है बोलो? 0.0591 इनटू pH ऑफ एनोड है। और ERP क्या है बोलो? माइनस ऑफ 0.0591 इनटू pH ऑफ क्या है बोलो? कैथोड। तो ये हमें क्या मिलेगा बताओ? दिस इज 0.0591 है ना? यस यस सर। क्या हो जाएगा बोलो? pH ऑफ एनोड इनटू सॉरी pH ऑफ एनोड pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड माइनस pH ऑफ कैथोड। ये बात आई समझ? यस सर। तो ई सेल क्या हो जाएगा बताओ? अगर दोनों तरफ हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है और दोनों तरफ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। पक्का? यस सर। चलो लिख लिया सभी ने? यस सर। शुड आई वेट? यस सर। यस सर। तो अगर एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और दोनों में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो वो एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया ना? यस सर। कैसा कॉन्सेंट्रेशन सेल? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। और उसका ई सेल सीधे क्या लिखोगे? 0.0591 pH ऑफ एनोड इलेक्ट्रोलाइट माइनस pH ऑफ कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। चलो कैलकुलेट ई सेल। क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेट 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 ई सेल ऑफ द E-cell of the following cell. Calculate E-cell of the following cell. Okay? So this is PT और ये हो गया अपना H2 gas, right? और यहाँ पे हमने लिया NaOH, NaOH 0.1 molar, 0.1 molar, ठीक है? और यहाँ पर हमने लिया H2SO4. H2SO4 ये 0.05 molar और यहाँ पर ये क्या हो गया? PtH2 gas हो गया। चलो इसका E-cell value calculate करो। Do this. Yes. जल्दी। NaOH देख के सहम गए क्या? सच सच बताना। NaOH देख के सहम गए? ये NaOH का जो भी सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन है, डेफिनेटली इसमें हमें कुछ तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ना? यस सर। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली हमें कुछ तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर। मिलेगा। H plus ion का concentration मिलेगा तो pH भी मिलेगा। Yes, किसी का answer आया? आज आप लोग ionic equilibrium revise करोगे बेटा, है ना? क्योंकि ये chapter ना बहुत तरफ से जुड़ जाता है। अभी रितेश सर ने मुझे कुछ questions भेजे थे, उसमें atomic structure की stopping potential से भी जोड़ दिया गया है ना कि मेटल है उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू इतना है, उसको स्टॉप करने के लिए ये सेल अप्लाई किया गया तो बताओ उसमें पीएच कितना होगा, बराबर? तो उसमें एक्चुअली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमें ई सेल की ही वैल्यू दे रहा है। जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सारे पुराने जेई वाले तो एकदम मजे से आप लोग कर पाओगे। चलो देखो बताओ क्या होगा यहाँ पे।
भाई NaOH का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.1 मोलर. 0.1 मोलर. तो OH NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है ना. तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0.1 मोलर ही होगा ना. यस सर. मतलब कि 10 रेस टू द माइनस पावर 1 मोलर हो गया ना. यस सर. यस सर. तो इसका मतलब कि POH क्या होगा बताओ? माइनस लॉग OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना. यस सर. मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ? माइनस लॉग 10 रेस टू द माइनस पावर 1. मतलब कि POH की वैल्यू कितनी आ गई? 1. यस सर. और हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि pH प्लस सेम इलेक्ट्रोलाइट का pH प्लस POH वैल्यू कितना होता है? 14 होता है. सेम इलेक्ट्रोलाइट का NaOH का pH प्लस POH मिलके कितना होता है? 14 होता है ना. यस सर. यस. तो इसका pH वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 13. मतलब कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना. यस सर. यस. तो आपने निकाल लिया ना एनोड हाफ सेल का pH. यस सर. यस. अब क्या दिक्कत है आपको? ये तो आप ऐसे भी निकाल लोगे फट से. H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.05 मोलर है. तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 2 × 0.05 मोलर होगा ना. यस सर. इसमें भी किसी को कोई डाउट है? नो सर. क्योंकि H2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा? 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2. 1 मोल H2SO4 से 2 मोल H प्लस आयन मिलेगा. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. ओके. तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बोलो? 10 रेस टू द माइनस पावर 1 मोलर हो गया. तो pH कितना हो गया? 1 हो गया ना. यस सर. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. यस. तो अब सीधे उसको फॉर्मूला में पुट कर दो भाई. ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना. दिस इज कॉन्सेंट्रेशन सेल. इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोड एनोड हाफ सेल है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही कैथोड हाफ सेल है. लेकिन दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अलग अलग है. आई बात समझ? यस सर. यस. चलो रब करें इसको. यस सर. अब क्या हो जाएगा बताओ? ईसेल क्या सीखा था अभी बोलो? ईसेल इज इक्वल टू 0.0591 इनटू पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड. सीखा था ना? यस सर. तो ये क्या हो गया? इसको इसको 0.06 अच्छा 0.0591 यहाँ तो भूल ही गया. यहाँ पे एन की वैल्यू कितने पुट करोगे? n की वैल्यू 0.0 अच्छा n की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी है. ध्यान रखना ये सीधा सीधा आया था ना अपना. n तो कट कट आके सब खत्म हुआ था ना. यस सर. यस सर. क्योंकि प्रेशर कितना है दोनों जगह? कुछ मेंशन नहीं है. इसका मतलब 180 तो ये कितना हो गया था बोलो? 0.06 कंसीडर करो. और ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस 1 हो जाएगा. मतलब कि 0.06 इनटू 12 हो गया. मतलब कि ये कितना हो गया? 0.72 वोल्ट हो गया. आई बात समझ? यस सर. यस. सभी ने कर लिया? यस सर. किसी को कुछ डाउट है? नो सर. चलो शुड आई रब दिस? यस सर. एक बार H प्लस आयन और OH माइनस आयन पकड़ा गया ना तो ये चैप्टर जितना मर्जी आयोनिक में ढकेल दो ये हर चीज आयोनिक का टच करने लगेगा. हम लोगों ने KSP देख लिया. देखा ना? Yes, sir. KSP देख लिया, pH देख लिया, बराबर? Yes, sir. Yes, तो एक बार H प्लस और OH माइनस आयन आ गया तो ये चैप्टर को जितना मर्जी आयोनिक में ढकेल दो. चलो नेक्स्ट देखो. कैलकुलेट E सेल ऑफ द गिवन सेल. कैलकुलेट कैलकुलेट E
given cell. Calculate E cell of the given cell, right? और given cell क्या है कि this is PT और ये क्या है H2 gas, PT H2 gas है ना? और यहाँ पर क्या है CH3 COONa, जानते हो ना ये क्या है? Sodium acetate. इसका concentration क्या है? 0.1 molar. ये salt bridge हो गया. और यहाँ पर है CH3 COOH plus CH3 COONa. और यहाँ पे है PTH2 gas हो गया. ये भी 0.1 molar है और ये भी 0.1 molar है ना? Yes sir. Yes. तो बताओ क्या करना चाहिए? आयनिक का फंडा क्लियर है तो ये सवाल एक मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको लेके बैठ ही रहेंगे. सोडियम एसिटेट क्या है बेटा, बोलो? सॉल्ट है ना? Yes, sir. किसका सॉल्ट है? एसिटिक एसिड और NaOH का सॉल्ट है ना? Yes, sir. एसिटिक एसिड कैसा एसिड है? Weak acid. Weak acid. और NaOH कैसा बेस है? Strong base. तो ये कैसा सॉल्ट हो गया? This is salt of weak acid and strong base ना? Yes, sir. और weak acid strong base salt का pH क्या होता है? pKw plus pKa plus log C by 2 होता है ना? Yes, sir. आपने पढ़ा होगा half pKw plus pKa plus log C. Are you getting this? Yes, sir. तो यहाँ पर pKw तो आपको पता है, pKw क्या होता है? माइनस log kW. और kW की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है? 10 raised to the minus power 14. This is ionic product of water ना? Yes sir. अच्छा यहाँ पर हमें एक चीज दी गई है Ka. Ka of CH3COOH is equal to 10 raised to the minus power 5. Ka कितना दिया हुआ है बताओ? 10 raised to the minus power 5 दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका pH और इसका ये क्या है बताओ? ये तो weak acid है और ये क्या है? Salt of weak acid with strong base. Strong base. तो weak acid का salt of weak acid with strong base क्या हो जाता है? बोलो. Weak acid plus salt of weak acid with strong base क्या हो जाता है? Buffer solution हो जाता है भाई. तीन तरह का buffer solution आपने पढ़ा होगा, acidic buffer, basic buffer और neutral buffer. Acidic buffer में क्या होता है? Weak acid plus salt of same weak acid with strong base. Basic buffer में क्या होता है? Weak base plus salt of same weak base with strong acid होता है. और neutral buffer is the salt of, ये neutral buffer ही है. Neutral buffer is itself the salt of weak acid and weak base. तो ये तीन तरह के buffer solution पढ़े थे ना? Yes sir. Yes. तो यहाँ पर buffer solution का pH निकालना है और यहाँ पर weak acid, weak base वाले salt का pH निकालना है. Clear? बोलो. तो चलो लिखो. Anode half cell electrolyte is salt of, लिखो. Anode half cell electrolyte is the salt of anode half cell electrolyte. ये anode half cell electrolyte is the salt of, बोलो, weak acid and weak base. Weak acid and weak base. Anode half cell electrolyte is the salt of weak acid and weak base. आई बात समझ? Yes sir. Yes sir. तो बताओ इसका pH क्या हो जाएगा? इसका pH क्या हो जाएगा बताओ? pH of this anode, pH of anode क्या हो जाएगा? क्या बोला मैंने? Half, बोलो, pKw plus pKa और plus log C, यही था ना? Yes sir. Yes. kW क्या है? Ionic product of water है. कितनी वैल्यू होती है उसकी? 10 raised to the minus power 14. तो pKw क्या हो जाएगा? Minus log kW, मतलब minus log 10 raised to the minus power 14.
तो ये पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई प्लस के की वैल्यू कितनी है 10 रेज टू द माइनस पावर 5 पी के ए क्या होगा माइनस लॉग के ए होगा पी के ए क्या होगा बताओ माइनस लॉग के होगा मतलब माइनस लॉग 10 रेज टू द माइनस पावर 5 तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई और कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 है तो लॉग 10 रेज टू द माइनस पावर 1 तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और ये हाफ हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ 19 18 ये 9 आ गया ना यस सर यस सर ये आया समझ सभी को यस सर अरे कुछ नहीं है मुझे लगता है कि आपने पढ़ा हुआ तो है लेकिन आयोनिक वगैरह 11th में पढ़ा होगा ना तो अभी रिवाइज नहीं है है ना यस तो ये एनोड का निकाल लिया आप लोगों ने यस सर का पीएच निकाल लिया चलो रब करें इसको यस सर यस अब पीएच ऑफ कैथोड क्या हो जाएगा बताओ ये कैसा बफर सॉल्यूशन है एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है ना तो चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लो कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट इज कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिक बफर कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिक बफर तो पीएच ऑफ कैथोड क्या मिलेगा पीएच ऑफ कैथोड क्या मिलेगा जल्दी बताओ इट इज पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यही करेंगे ना हम लोग दिस इज द पीएच ऑफ एसिडिक बफर ना पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अंडरस्टूड यस सर यस सर तो यहाँ पे pKa की वैल्यू कितनी हो जाएगी Ka 10 raise to the minus power 5 है तो minus log Ka मतलब कि minus log 10 raise to the minus power 5 ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना plus log salt का concentration कितना 0.1 molar acid का भी concentration कितना 0.1 molar आसान हो गया आपके लिए 0.1 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो log 1 और log 1 की वैल्यू कितनी 0 राइट तो pH ऑफ कैथोड ऑफ सेल कितना मिल गया हमें 5 मिल गया ना यस सर यस सर अंडरस्टूड यस सर यस तो यहां पर E सेल ऑफ द अबव कंसंट्रेशन सेल है ना Ka ऑफ तो E सेल of the above concentration cell kya milega batao e cell is equal to 0.0591 ph of anode minus ph of ph of cathode ph of anode ye isko 0.06 pakad lo beta 0.06 एनोड का पीएच कितना मिला 9 और कैथोड का पीएच कितना मिला 5 0.24 वोल्ट हो जाएगा आई बात समझ यस सर यस सर यस तो एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन जैसे ही आया ये चैप्टर पूरा का पूरा आयनिक में घुस जाएगा है ना यस यस ये समझ गया सभी को Yes, sir. तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल समझ लिया कल की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल सीखेंगे और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल सीखेंगे ठीक है यस सर यस तो दिस इज ऑल क्लियर यस सर